नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। फिर एक बार पुलिस की जम करके पिटाई हुई। इतनी पिटाई हुई कि पुलिस वाले भागते नजर आए, और ऐसे ही नहीं भाग रहे थे, रोते हुए भाग रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीर, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं। तो देखा आपने, पुलिस वाले रोते हुए भाग रहे हैं जान बचा करके। दरअसल ये पूरा मामला भागलपुर के नौगछिया के गोपालपुर का है, जहां पर घटना से एक दिन पूर्व किसी के यहां भोज हुआ था, और भोज में जिस पत्तल पर खाना खिलाया गया था, उस पत्तल को बाहर निकाल करके जलाया जा रहा था, जिससे धुआं उठ रहा था और पड़ोसी इसकी उलाहना दिए और आपस में झगड़ा हो गया। पुलिस वहां पर गई थी झगड़ा सुलझाने के लिए, लेकिन पुलिस वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस वाले वहां पर पहुंच करके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उनके ऊपर आरोप लगाने लगे कि आपके घर में अवैध सामान है, शराब है, हथियार है, जिसकी हम लोग पड़ताल करेंगे। महिलाओं ने जब इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं है, हमारे घर में कोई पुरुष वर्ग का लोग नहीं है, आप लोग बाद में आइएगा या महिला पुलिस को लेकर के आइएगा, तो महिलाओं के साथ वो लोग मारपीट करने लगे। उसके बाद क्या था, ग्रामीण उग्र हो गए और उनको पीटने लगे। आप पहले उन महिलाओं की भी बात को सुन सकते हैं। केना घटना होले, की घटना होले, या बोलले घटना या होले, अरे छलके की करो, की काम छे तुमरा, काम छे जे बताइए की काम, तब घर घुसत एप्लीकेशन देख लिए की जबरदस्ती घुसी गले आ मारा लग, महिला पुलिस आ रजन सब ना हमरा कतो मार के नतन यो के हमरो कारण किछले पुलिस आबे, कारण ये आरे ल डुकरो कि कह छे अपनो पुष्ट आप जरे ने रे हमरा बेचन पत्ता भोज वाला पत्ता हुआ अगल लगे केस के का अब यहां से गेलो रे 10 आदमी से धप्पा मुखिया बियाने गेलो छे वही टूट ली छे आ बाद में लड़पा चो दी द्वारी पहले सुकेश भाग बेटा आइले आइले तो बाप पूछलिए यहां द्वारी केना आइलो तो पुलिस के आप जाइए जेबे याल का डुकी मारा लगे हमरा घर में कोई नेता नहीं पुतो नतनी नतनी भी मार नजबे दशा कर हॉस्पिटल। अच्छा, के पुलिस सब ना पुलिस आ मार ना है पति के या पति को मार ना की नाम ले अपने शशि कला देवी पति के नाम पति स्वर्ग सितारा मंडल। अभी कहां पर हैं घर कहाँ छे डिमा अभी कहाँ आइलो हली है अभी अभी हॉस्पिटल में इलाज करवाए ला इलाज करवाए पति के। अच्छा, लगभग कितना आदमी घायल छे? घायल से शशिकला देवी प्रिंस 10 आदमी के 15 आदमी घायल छे, नती छे, सब भी एकदम घायल। घटना यही था कि वहाँ जब हम लोग पुलिस आए दरवाजे पे, तो वो डायरेक्ट बोलने लगे क्या कि हम लोग के हम मतलब इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आप लोग के घर में कुछ ऐसा है जो हमको मतलब देखना है, इंक्वायरी करना है, लेकिन हम लोगों ने मना कर किया कि पहले आप लोग महिला पुलिस लाइए, मेरे घर में कोई भी अभी मतलब ये जेंट्स नहीं है, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं महिला पुलिस लाके। नहीं, वो लोग बोले कि आप लोग को ये पावर नहीं है, हम जेंट्स पुलिस लेके ही इंक्वायरी करेंगे, जिसको साथ लाएं उसी के साथ हम इंक्वायरी करेंगे। लेकिन वो लोग अगेन वो मतलब पुरुष को ही ला लिए, उसके बाद मारपीट करने लगे, हम लोग के साथ बदसुलूकी की, मेरे मामी के साथ भी दुर्व्यवहार किया, मेरे 2 दिन का बच्चा उसको मतलब डंटा से मतलब सिर में चोट आई है, और मेरे भाई बहन मतलब भाई को भी बहुत पीटा, और बहुत उसको हाथ जोड़े, लेकिन कि ऐसा कुछ नहीं सुने, वो लोग एकदम पीटते रहे। अब मतलब ये कहाँ का कानून है कि अगर कानून कोई बोलता है तो ये थोड़ी है कि कपड़ा उतार कर किसी का ये किया जाए, मारपीट किया जाए। कानून अगर बोलता है तो कानून मदद करने के लिए होता है, ना कि मारने के लिए। अगर कानून किसी का हेल्प मारपीट करेगा तो हेल्प कौन करेगा फिर? क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम पल्लवी। कौन सा थाना की पुलिस आई थी? गोपालपुर थाना की। आगे क्या मांग करना चाहते हैं आप? आगे यही कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, दूसरे के कहने पे घर घुस के ये मारपीट अच्छा नहीं लगता है ना, घर घुस के कपड़ा उतार के जबरदस्ती किसी के साथ जबरदस्ती दुर्व्यवहार करना, क्या कहाँ का कानून है? एपी नीचे गिर गई तो उनको बहुत बुरा लग गया,
क्या मेरे घर में जो दुर्व्यवहार हुआ है क्या उनको बुरा नहीं लगा? इतना बुरा नहीं लगा उनको? टोपी नीचे से नीचे गिर गया टोपी, तो बोला बदतमीजी हो गया। वो बदतमीजी कहाँ था जब नाइटी फाड़ के मारा जा रहा था? वो पुलिस मार रही थी। हाँ, वो बदतमीजी नहीं है? 2 दिन का बच्चा बिलख रहा था नीचे, उसको तक उठाने नहीं दिया। क्यों? उसके घर में बच्चा नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, या उसको बेटा बेटी नहीं है घर में? उसके सीने में दिल ही नहीं है क्या वो जो किसी का दर्द समझे? कोई तो समझेगा। पुलिस क्या मार दंगा करने के लिए होता है? बाद में महिला पुलिस भी आई तो यही काम की, डंटा। ये मेरे छोटे भाई को बहुत पिटाई की उसने, मना करने के बावजूद भिखारी की तरह हाथ। तो इन महिलाओं की बात को अगर माने तो पुलिस वालों के द्वारा इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बिना किसी लिखित सूचना के इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया कि आपके घर में हथियार है, शराब है और अवैध सामान है जिसकी सूचना हम लोगों को है और हम लोग इसकी पड़ताल करेंगे। महिलाओं ने विरोध किया तो उनके ऊपर लाठियां बरसाने लगे। आप उस तस्वीर को भी देख सकते हैं जब पुलिस वाले ग्रामीणों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर नहीं है, ये पहली खबर नहीं है जिसमें मैं बता रहा हूं कि पुलिस वाले छापेमारी करने गए और पीट करके आए, उनको ग्रामीणों ने पीटा। ये पहली खबर नहीं है जिसमें पुलिस के द्वारा आम आदमी या महिलाओं के साथ या किसानों के साथ या जवानों के साथ दुर्व्यवहार का मामला प्रकाश में आया हो। ये भी मामला एक खड़ा हो गया जो कि भागलपुर के नौगछिया के गोपालपुर का है, जहां पर पुलिस गई थी पड़ताल करने, पुलिस गई थी मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। ग्रामीण जो है उग्र हो गए और पुलिस वालों की जम करके पिटाई कर दी, जिसका साक्ष्य आप वीडियो में देख सकते हैं। पुलिस वाले किस तरीके से रोते हुए भागते हुए दिख रहे हैं जान बचा करके। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।